Hello Gemini, this is your mid-month reading secret messages from your partner. So I take two cards. So सबसे पहले हमने दो कार्ड लिए कि currently जो है आप लोगों का relationship कैसा चल रहा है. तो किसी चीज़ की responsibility की वजह से और मे बी आप दोनों के connection की वजह से जो है आप दोनों ही burden feel कर रहे हैं अपने shoulder पे, या अपनी life में work का load है, या किसी और बात से जो है आप ही दोनों जो हैं वो बर्डन फील कर रहे हैं अपने शोल्डर पे. बट एट द सेम टाइम आप दोनों ही अपनी जो है सिंगल पावर को एम्ब्रेस कर रहे हैं. दिस इज़ लाइक अ म्यूचुअल एनर्जी इन योर कनेक्शन. लिटिल बिट यू बोथ फील बर्डन बट एट द सेम टाइम इन अ सिंगल पावर दैट यू बोथ आर टैप इन राइट नाउ. यू बोथ नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. यू बोथ पैम्पर योर सेल्फ वेरी वेल. यू एम्ब्रेस योर सिंगल पावर. यू आर बोथ आर कॉन्फिडेंट. सो दैट सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ एम्पावरमेंट सॉर्ट ऑफ अ एनर्जी जो हम इन कार्ड से देखने को मिल रही है. तो अब देखते हैं कि आखिर सीक्रेट क्या है. सीक्रेट ये है कि 10 of Pentacle पहला कार्ड निकल के आया है. आपका पार्टनर आपके साथ एक सीरियस कनेक्शन चाहता है, कमिटेड कनेक्शन चाहता है, ग्राउंडेड कनेक्शन चाहता है, हैप्पी होम लाइफ कनेक्शन चाहता है, फैमिली की अबंडेंस टाइप हारमोनियस फैमिली चाहता है आपके साथ. 10 of Pentacle यही दर्शाता है. और वो आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, चाहे ये इमेच्योर ऑफर ही क्यों ना हो, लेकिन जो आपका पार्टनर है वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर देना चाहता है. ये सब सीक्रेट है. अगला कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ कप्स. किंग ऑफ कप दिखाता है कि जो आपका पार्टनर है वो आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपने इमोशन जो है कंट्रोल करता है. आपको चाहे एक्सप्रेस वो करे ना करे, लेकिन प्यार उनके दिल में बहुत है. अगला कार्ड जो है वो है एस ऑफ कप. तो आपका पार्टनर आपके साथ लव लाइफ में एक न्यू शुरुआत चाहता है, लेकिन ये कार्ड एक साथ ये भी दिखाता है कि वो अपनी सेल्फ लव जो है सीख रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं. तो एक तरह से वो अपनी सेल्फ लव शो कर रहा है, साथ में वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ. अगले दो कार्ड जो निकल के आए थे वो हैं 3 of Swords एंड द हैंगमैन. किसी बात को लेकर जो है आपका पार्टनर हर्ट हुआ है पास्ट में, चाहे आपकी वजह से, चाहे फैमिली की वजह से, चाहे किसी की भी वजह से, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, पर बहुत गहरा घाव जो है उनके दिल पे लगा है. इसलिए जो सिचुएशन है वो स्टक फील कर रहे हैं, वो अंदर से स्टक फील कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि जो वो दिल पे कहीं ना कहीं उनके चोट लगी है किसी बात को लेकर. अब हम रेबल मैसेज ले लेते हैं आप लोगों के लिए. आपके लिए एक एडवाइस मैसेज. पहला है शिट इज़ गोइंग डाउन विद योर जॉब, डू योर जॉब मैन. तो आपके जो कामकाज है, जॉब है, उसमें कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको अपने काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है. अगला कार्ड आया है, दो कार्ड आए हैं आपके लिए, शट योर माउथ एंड लिसन अदर्स. अगर इस वक्त आप अब बोल के किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम नहीं है कि आप अपना व्यू पॉइंट दूसरों को समझाएं. तभी शायद आपके वर्क एरिया में ये प्रॉब्लम हो रही है. तो आपको अपने वर्ड से दूसरों को समझाना नहीं है. अगर आप चुपचाप सुन के चुप हो जाएंगे तो वो बेटरली काम करेगा आपके लिए इस वक्त. अभी आपका बोलने का टाइम नहीं आया है, जब आएगा तब बोलिएगा. अभी आपको दूसरों को सुनने की ज़रूरत है. ठीक है, कोई बात नहीं, कई बार गुड लिसनर भी बन जाना चाहिए अपनी लाइफ में, जैसी सिचुएशन हो, राइट. तो एक ये मैसेज निकल के आया था आपके लिए. अब हम देखते हैं आपका पार्टनर करंटली क्या कर रहा है. उसके लिए आया है निकल के रीबर्थ एंड न्यू बिगनिंग. तो रीबर्थ और न्यू बिगनिंग दोनों ही कार्ड ये दिखा रहे हैं कि किसी चीज़ की नई शुरुआत और किसी चीज़ की एंडिंग हुई है. जैसे ये पेन की और स्टक सिचुएशन की जो है अब अंत का टाइम आ गया है और एक नई शुरुआत का टाइम है उनकी लाइफ में. तो ये रीबर्थ और न्यू बिगनिंग जो है आपके पार्टनर की लाइफ में करंटली चल रही है. वो एक रीबर्थ प्रोसेस में है, एक न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ में हैपन हो रही है, हो रही है. मैंने 3 कार्ड निकले थे कोई और सीक्रेट मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन जो कार्ड निकल के आए हैं वो दिखा रहे हैं उनकी करंट एनर्जी. सीक्रेट मैसेज कोई नहीं आया है, तो वही मैं आपको बता देती हूँ. टीचिंग लर्निंग, हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो टीच दूसरों को कुछ टीचिंग प्रोफेशन में हो, या फिर कुछ सीख रहा हो, लाइफ लेसन सीख रहा हो अपनी लाइफ से इस वक्त. और स्पिरिचुअल करियर में हो सकता है आपका पार्टनर, और नेचर लविंग हो सकता है आपका पार्टनर. तो लव मैसेज लेंगे आपके पार्टनर की तरफ से. 4 मैसेज आए थे. आई फील डैमेज लाइक आई जस्ट कांट डू दिस. वो अभी अंदर से टूट चुके हैं. जो 3 of Swords यही दिखा रहा है कि वो अंदर से कुछ पेन फील कर रहे हैं, इसलिए स्टक फील कर रहे हैं अपने अंदर से.
आई हैव लुक यू अप ऑनलाइन टू सी वट यू हैव बीन अप टू, वो आपका सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं. आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड. तो वो जो है पहले ये इंसान, सी आई कॉन्ट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ, पहले ये इंसान घबराता था, वो आपके वर्ड्स को जो है हैंडल नहीं कर पाता था, लेकिन आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड. अब वो नहीं घबराते, अब वो अपनी ओरिजिनल सेल्फ जो है डिस्क्लोज करने के लिए प्रॉपरली रेडी हैं. वो अब जो फियर्स थे उनको आपके पार्टनर ने लेट गो कर दिया है. तो अब हम लेंगे सॉन्ग फॉर जेमिनाइज. सो लेट्स सी व्हाट यू हैव. यू हैव हर दिल जो प्यार करेगा, उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा. राइट, सो दिस इज द सॉन्ग फॉर यू. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, बाय बाय.